की रेसिपी है हमारे एक सब्सक्राइबर के लिए जो हैं हरी सर। उनके चैनल का नाम है इर्द गिर्द। मेरी सेकेंड लास्ट वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया था कि वे मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाते। आज मैं बिना मिर्च के उनके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ। वेलकम है आपका मेरे YouTube किचन स्टार पूजा में। मैं हूँ पूजा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंने ले लिए हैं पोहे और इसको अच्छे से मैंने कर लिए हैं साफ़, इसमें गंदगी बिल्कुल भी ना रहे। मैंने ले लिया है मिक्सर जार और इसमें मैं 2 कप पोहे डालूंगी। तो मैंने 1 कप पहले डाल दिया था, ये 2 कप है। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी बिना कुछ इसमें मिलाए। और देखिए ग्राइंड हो गया है और अच्छे से जो है इसका पाउडर बनके तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसका पाउडर बनके तैयार हुआ है, तो आपको इसी तरीके से बना लेना है। मैंने ले लिया एक बाउल और इसमें डालूंगी मैं जो मैंने पोहे के पाउडर बनाया है। अब इसमें जाएगा 1 कप सूजी, ये बारीक सूजी है। आप इसकी जगह पर मोटी सूजी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक और डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि सूजी और पोहे का पाउडर और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप दही। तो ये ताज़ी दही है, आप थोड़ी खट्टी भी रहे तो भी ले सकते हैं, मैं ताज़ी दही सही रहती है क्योंकि खट्टी दही रहेगी तो ये खट्टापन इसमें आएगा ज़्यादा। तो ये ताज़ी दही ले लीजिएगा आप, 1.5 कप ताज़ी दही लीजिएगा क्योंकि मैंने 1 कप यहाँ पे ले लिया था और 1/2 कप बाद में यूज किया था। इसको मैं कवर करके एक साइड रख दूँगी और चलूँगी गैस की तरफ। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल तड़के के लिए और 1/2 चम्मच मैं डालूँगी राई और 1/2 चम्मच डालूँगी मैं जीरा। जीरा डालने के बाद मैं भीगे चने डाल दिए हैं, ये 2 चम्मच हैं, मैंने पहले से ही भिगो के रखे थे। अगर आपने नहीं भिगोए हैं तो कोई बात नहीं, आप कच्चा चना भी सीधे डायरेक्ट जो चने की दाल है सॉरी तो उसको भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। तो मैंने एक बारीक कट करके प्याज रखा हुआ था। आप चाहें तो यहाँ मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज की रेसिपी में बना रही हूँ बिना मिर्च की, इसीलिए मैं मिर्च इसमें नहीं डाल रही हूँ। अब देखिए तड़का तैयार हो गया है, 5 मिनट बीत चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी तड़का जो अभी मैंने तैयार किया था। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी कि अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए इस तरीके से बांध के देखूँगी तो इस तरीके से लड्डू जैसे देखिए बन जा रहा है। इसका मतलब हमारा परफेक्ट एकदम तैयार हुआ है, बिल्कुल भी ज़्यादा कम नहीं है पानी सॉरी दही। अब मैं इसमें जो है कि थोड़ा सा और डालूँगी दही का पानी। इसमें मैंने 2 चम्मच दही लेके और उसमें थोड़ा सा पानी, 1/2 कटोरी लेके मैंने उसका एक घोल तैयार कर लिया था, उसको डाल के और थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरीके से एक डो बनाऊंगी। क्योंकि डो जब सॉफ्ट रहेगा तभी हमारा नाश्ता सॉफ्ट भी बनेगा, तो इसलिए डो का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो देखिए डो बहुत आसानी से बन गया है। अब मैं इस तरीके से छोटी सी लूँगी लोई और इसको इस तरीके से बनाऊँगी मैं डिजाइन। तो डिजाइन तो मैं बहुत सारा मतलब मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं इस तरीके से बनाऊँ, तो मैं अभी सरेंडर सेम में इस तरीके से मैंने डिजाइन दिया। इसी तरीके से मैं और सारी डिजाइन भी मतलब बनाने के लिए सोच रही थी मगर मैं बना नहीं पाई क्योंकि मेरी बेटी जो है वो छोटी है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे बहुत परेशान करी थी। तो फिर मैंने क्या किया कि उसको बॉल शेप दे दिया। तो देखिए आप चाहें तो इस तरीके से सिलेंडर का शेप दे सकते हैं, आप चाहें तो मतलब जो है कि छोटे छोटे बॉल जैसे भी शेप दे सकते हैं। और देखने में देखिए दोनों से बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं सिलेंडर वाला भी अच्छा लग रहा है और इस तरीके से आप देखेंगे तो जो है बॉल शेप जो है वो भी अच्छा लग रहा है। और ये मैंने देखिए छोटा सा जो है इसको स्क्वायर शेप दिया है, छोटा छोटा डाइस होता है ना उसी का मैंने शेप दे दिया है और इस तरीके से। मगर मैं बोली हूँ ना कि जल्दबाजी में हूँ तो मैं बस ऐसे इसी तरीके से मैं बॉल जैसे बना लूँगी और सारे नाश्ते तैयार कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैंने सारे बॉल्स रेडी कर लिए और रेडी करने के बाद मैंने ले लिया है स्टील की स्टीम करने वाली थाली और इस पर जो है थोड़ा सा ऑयल लेके अच्छे से ग्रीस कर ले रही हूँ। और गैस पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है पहले से, वो वहाँ पे गर्म हो रहा है और यहाँ पे मैं जो है नाश्ता जल्दी जल्दी जो है रेडी कर रही हूँ। तो देख बॉल्स रेडी हैं, अब मैं चलती हूँ गैस की तरफ। तो गैस पे मेरा पानी तो मैंने पहले बताया था गर्म होने के लिए रख दिया था, सारे बॉल्स मैं डाल दे रही हूँ स्टीम करने वाली थाली में और इसको कर दूंगी कवर। कवर करने के बाद मैं इसे 5 से 6 मिनट तक छोड़ दी हूँ और देखिए हो गया है और बहुत मतलब एक दूसरे से चिपका भी नहीं है, सारे बॉल्स अलग अलग हैं।
अब मैं इसे जो है एक तरफ लेके आई हूँ, यहाँ पे मतलब देख रही तभी तो गर्म है, मतलब छू नहीं पा रही। मैं देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट बना है, तो स्पंजी बनाई है आप देख सकते हैं। अब मैं चलती हूँ गैस की तरफ, और गैस पर मैंने पहले से ही जो मतलब तड़का लगाया था वही मैंने कढ़ाई लिया है और उसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब उसमें आधा चम्मच मैं जीरा ऐड कर रही हूँ और आधा चम्मच मैंने राई ऐड कर दिया है। ये मैंने ले लिया है उड़द की दाल जो सफ़ेद वाली आती है धुली हुई, और उसे एक चम्मच मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने डाला है कड़ी पत्ते, तो मेरे पास फ्रेश कड़ी पत्ते नहीं थे और पहले से मैंने जैसे इस तरीके से मैं सुखा के रख लेती हूँ वही कड़ी पत्ते थे। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ एक प्याज कटा हुआ इस तरीके से, और आप अपने मन मुताबिक कट कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से लंबे लंबे सिम में कट किया हुआ है बारीक बारीक। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसे मतलब जो है ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है हमें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक टमाटर, वो भी मैंने लंबे सेम में लॉन्ग मतलब सेम में मैंने कट कर रखा है, और इसे भी बस सॉफ्ट ही होने देना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले, तो मसालों में मुझे मिर्च नहीं ऐड करना है, तो मैंने इसमें काला नमक और इसमें चाट मसाला। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सफ़ेद वाला नमक स्वाद अनुसार। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैगी मसाला मैजिक, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप देख सकते हैं 2 मिनट भी नहीं लगा और हमारा टमाटर जो है मतलब टमाटर प्याज ये सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें बॉल डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे मतलब आप मिर्च अगर खाने वाले हैं तो आप यहाँ पे मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, या तो सूखी मिर्च डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मगर जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मैं बिल्कुल भी इसमें मिर्च नहीं ऐड करूँगी, तो मैंने इसमें काली मिर्च भी ऐड नहीं किया है। मेरे मन में आ रहा था कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल दूँ, थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा, मगर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी नहीं डाला, उसको भी स्किप कर दिया। तो आप अपने मन मुताबिक जो है अगर मिर्च खाना चाहते हैं तो आप ऐड कर लीजिएगा। और इसका टेस्ट वाकई बता रही हूँ, मतलब मिर्च नहीं था तो भी अच्छा लग रहा था। अब मैं इसे करूँगी सर्व, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और सही बताऊँ तो छोटी मोटी अगर आपके पास भूख मतलब आपको भूख लगी हो, सॉरी मैं कुछ और बोलती हूँ, बोल देती हूँ कुछ और, तो मतलब कहने मतलब ये है कि मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ, बोल देती हूँ कुछ और, तो आप जो है कि देख सकते हैं कितना अच्छा नाश्ता बन के तैयार हुआ है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही कम सामान से बहुत ही अच्छा नाश्ता लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।